दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द शुद्धि को लेकर के। शब्द शुद्धि व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और बहुत बारीकी से यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो विद्यार्थी अक्सर इस टॉपिक में गलतियां कर देते हैं। तो आज हम शब्द शुद्धि किन किन कारणों से, उसके अनेक प्रकार हैं, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषित करेंगे। अगर अधिक लंबी वीडियो रही तो इसको दो भागों में बनाएंगे, इसलिए पार्ट एक ये है, पार्ट दो या तीन आगे जो होगा वो आवश्यकता होगी तो हम बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि हिंदी की बिंदी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, शब्द शुद्धि पार्ट एक। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। मात्रा प्रयोग। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषय संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है, यानी कि मात्रा से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं, जो शब्द शुद्धि होती है, उसका हम यहाँ पर विवरण दे रहे हैं। जैसे एक तरफ हम अशुद्ध शब्द लिख रहे हैं, दूसरी तरफ शुद्ध। अतिथि, अतिथि। अब देखिए किस तरह से लिखा जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर इसमें बहुत बारीक एक मात्रा परिवर्तित करते ही उसका अर्थ ही बदल जाता है और अशुद्ध भी हो जाता है। इंदौर, इंदौर। ऊर्जा, ऊर्जा। उषा, उषा। करुणा, करुणा। क्योंकि, क्योंकि। गीतांजलि, गीतांजलि। तियालीस, तैतालीस। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। दवाइयाँ, दवाइयाँ। दिया सलाई, दिया सलाई। निरीक्षण, निरीक्षण। नुपुर, नुपुर। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। आहुति, आहुति। इकाई, इकाई। उहापो, उहापो। ऐरावत, ऐरावत। केकई, कैकेयी। क्षिति, क्षिति। गौतम, गौतम। तिथि, तिथि। तिलांजलि, तिलांजलि। त्योहार, त्योहार। दिवारात्रि, दिवारात्र। नीरव, नीरव। नीति, नीति। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। पत्नी, पत्नी। पड़ोसी, पड़ोसी। परिचित, परिचित। पूज्य, पूज्य। पुरस्कार, पुरस्कार। बीमार, बीमार। मिट्टी, मिट्टी। मूल्य, मूल्य। मुमर्श, मुमूर्ष। युत्सा, युत्सो, युत्सा। रूप, रूप। रुपया, रुपया। श्रीमती, श्रीमती। परीक्षा, परीक्षा। पीताम्बर, पीताम्बर। पूजनीय, पूजनीय। बधाइयाँ, बधाइयाँ। मारुति, मारुति। मिलित, मिलित। मूर्ति, मूर्ति। मैथिली शरण, मैथिली शरण। रचयिता, रचयिता। रात्रि, रात्रि। शारीरिक, शारीरिक। हरितिमा, हरितिमा।
तो मात्राओं से संबंधित इस तरह की अनेक अशुद्धियां अक्सर विद्यार्थी करते हैं। तो बहुत सारे प्रमुख शब्द हमने आपको बताए जिनमें अक्सर गलतियां करते हैं, और अक्सर ये शब्द ऐसे हैं जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अब दूसरा बिंदु है इसमें आगम, यानी कि आगम संबंधित क्या गलतियां होती हैं, आगम होता क्या है पहले समझ लीजिए। शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्वर का आगम, जैसे अशुद्ध और शुद्ध शब्द इस तरह से देखें, अत्यधिक अत्यधिक, अहोरात्रि अहोरात्र, पहिला पहला, प्रदर्शनी प्रदर्शनी, द्वारिका द्वारका, अहिल्या अहिल्या, अधीन अधीन, तदानुकूल तदनुकूल, वापिस वापस। ये तो हुई स्वर संबंधित, और व्यंजन का आगम होने पर व्यंजन संबंधित कैसे अशुद्धियां हैं, अशुद्ध और शुद्ध देखें, अंतर्ध्यान अंतर्धान, चिकीर्षा चिकीर्षा, मानवीकरण मानवीकरण, सदृश्य सदृश्य, सौजन्यता सौजन्य, कृतकृत कृतकृत्य, षष्टम षष्ट, समुद्र समुद्र, समुद्र समुद्र, लोप लोप का अर्थ क्या होता है, दरअसल लोप का मतलब होता है गायब होना एक तरह से। तो शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए, छूट जाए, तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे स्वर का लोप देखें, जैसे अशुद्ध और शुद्ध में आगामी आगामी, उज्जैनी उज्जैनी, जमाता जामाता, मोक्षदायिनी मोक्षदायिनी, स्वस्थ स्वास्थ्य, आजीविका आजीविका, कालंदी कालिंदी, व्याकरण व्याकरण। व्यंजन का लोप में जो अशुद्ध शब्द होते हैं या शुद्ध शब्द होते हैं वो निम्न हैं, जैसे अशुद्ध एक तरफ शुद्ध, अनुच्छेद अनुच्छेद, गणमान्य गणमान्य, ज्योत्सना ज्योत्सना, प्रतिच्छाया प्रतिच्छाया, मत्स्येन्द्र मत्स्येन्द्र, मिष्ठान मिष्ठान, व्यंग व्यंग्य, स्वावलंबन स्वावलंबन, स्वालंबन स्वावलंबन, उपलक्ष उपलक्ष्य, छत्रछाया छत्रछाया, धात्व ध्यात्व, प्रतिद्वंद्व प्रतिद्वंद्व, महात्म महात्म्य, याग्वल्क याग्वल्के, सामर्थ सामर्थ्य। वर्ण व्यतिक्रम, यानी कि वर्ण की ठीक गति पर वर्ण न आए, स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, तो वहाँ पर किस तरह से अशुद्ध और शुद्ध होता है उनको देखें। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। जैसे अशुद्ध और शुद्ध शब्द में अतिथि अतिथि, आवाहन आवाहन, चिन्ह चिन्ह, पूर्वाहन पूर्वाहन, ब्रह्मा ब्रह्म, विहवल विहवल, अप्रहन अप्रहन, आह्लाद आह्लाद, जिव्या जिव्या, प्रहलाद प्रहलाद, मध्यान मध्यान। वर्ण परिवर्तन संबंधित अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं कुछ उदाहरण और देखेंगे। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी वश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है, यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है, अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी आवश्यक है। अशुद्ध और शुद्ध शब्द देखें, अधिशाषी
अधिशासी, आंशिक आंशिक, कनिष्ठ कनिष्ठ, छिद्रान्वेषी छिद्रान्वेषी, निशंग निशंग यानी कि तर्कश, पुरस्कार पुरस्कार, यथेष्ट यथेष्ट, वरिष्ठ वरिष्ठ, श्राप श्राप, संगठन संगठन, संतुष्ट संतुष्ट, खंभा खंभा, जुखाम जुखाम, नृशंस जुखाम सॉरी नृशंस, प्रशासन प्रशासन, रामायण रामायण, विंध्याचल विंध्याचल, सीधा साधा सीधा साधा, संगठन संगठन, श्रुषा शुश्रुषा। संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग, दो व्यंजनों के बीच स्वर या स्वर का अभाव संयुक्ताक्षर बनाता है, वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो फिर तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए, जैसे अशुद्ध और शुद्ध शब्दों में अद्वितीय अद्वितीय, उत्तीर्ण उत्तीर्ण, उल्लेखित उल्लिखित, न्योछावर न्योछावर, बुधवार बुधवार, रखा रखा, वृद्धि वृद्धि, संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तीकरण, उत्तम उत्तम, उल्लंघन उल्लंघन, निमित्त निमित्त, प्रज्वलित प्रज्वलित, योद्धा योद्धा, विद्याचल विद्यालय विद्यालय, शुद्धिकरण शुद्धिकरण। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो शुद्धि शब्दों को लेकर पार्ट एक। आशा है वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद और वीडियो आपकी समझ में आई होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।